नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों बाद कुमार्स किचन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सूजी से बनने वाली एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जो आप ब्रेकफास्ट में बहुत ही आसानी से और झटपट बना सकते हो। ये रेसिपी बनाने में तो आसान है ही, पर ऊपर से ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले ढेर सारे वेजिटेबल्स। आप देख सकते हैं कितने सारे वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना झटपट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैंने ली है 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी इस्तेमाल की है मैंने। अब इस सूजी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही। आप ये मात्रा ज़रूर याद रखें, जितने आपने सूजी ली है उससे आधा हम दही इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस दही और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सूजी को हम अच्छे से दही के साथ फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। लगभग 30 मिनट में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। पर ये बैटर जो है हमें बहुत ही फ्लफी बनाना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसे ज़रूरत पड़े वैसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये थोड़ा और पानी ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसकी कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग बनानी है, और इसे हमें फर्मेंट होने के लिए लगभग 30 मिनट के लिए रख देना है। देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे अभी ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इस पे ढक्कन रख के इसे साइड में रख देते हैं। जब तक ये फर्मेंट हो रहा है तब तक हम हमारी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये ढेर सारी वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, फ्रेंच बीन्स और सबसे आखिर में हरा धनिया। इन सब वेजिटेबल्स को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी जो है वो दही के साथ अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ध्यान से बाद में ही डालना है, पहले बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो हमारा जो सूजी है वो दही के साथ अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा। अब नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हमारी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मटर या फिर आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सारी वेजिटेबल्स हमने डाल दिए। अब सबसे लास्ट में डालेंगे सबसे प्यारी हरी धनिया और थोड़ा सा पानी। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगी 1 छोटा चम्मच जीरे की पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ रेड चिली फ्लेक्स। तो रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल की है। आप इसके बजाय लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च भी मिक्सर में पीस के इसमें डाल सकते हो। अब सबसे लास्ट में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बढ़िया कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमारी बैटर की। ये अच्छे से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस बैटर में पानी डालते समय थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, क्योंकि ये बैटर हमें पतला नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरह हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारे अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। गैस पर मैंने एक पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। उस पर मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। अब इस तेल को हम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे और पैन जो है वो ज़रूर नॉनस्टिक ही इस्तेमाल करें। अब देखिए तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच राई के दाने। राई के दाने जैसे ही चटक जाए हम इसमें हमारा बैटर ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें बैटर ऐड करना है, और इस बैटर को हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है। ये जो हम पैनकेक जो डाल रहे हैं सूजी का, वो हमें मोटा ही रखना है। तो हल्के हाथ से बस हम इसे स्प्रेड करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इवनली अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब इस पे लीड रख के हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक तरफ से पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पकाएंगे। तो चलिए अब इसे पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वेजीज कितनी बढ़िया दिख रही है इसमें, और नीचे से ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर पे पका होगा। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन कलर पे ये पक चुका है। अब दूसरे साइड से भी हमें इसी कलर पे पकाना है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ वापस से 2 चम्मच तेल, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो इसमें वापस से हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन रख के दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इसे लगभग 10 मिनट के लिए पका लिया है, और ये हमारा सूजी का पैनकेक खाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर पे ये पक चुका है, खाने के लिए एकदम तैयार है। ये जो सूजी का ब्रेकफास्ट है आप बहुत ही झटपट बना सकते हो, खाने में एकदम हेल्दी है और बनाने में बहुत आसान, और ऊपर से टेस्टी भी है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। मैं इसे पिज्ज़ा की तरह कट कर रहा हूँ, क्योंकि खाने में मज़ा है।
हमने जिस मात्रा में सूजी इस्तेमाल की है उस मात्रा से आप इस तरह के दो पैनकेक बना सकते हो। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से मात्रा ले। तो देखिए ये अंदर से बहुत ही बढ़िया पक चुका है, वेजेस अच्छे से पक चुकी है, दिख रही है क्लियरली। ये जो सूजी का ब्रेकफास्ट है ये बनाने में बहुत ही आसान, टेस्टी और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस सूजी के पैनकेक को, या फिर इसको सूजी का हांडवो भी बोलते हैं कई जगह पे, तो इसको आप किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे तंदूरी मेयोनीज के साथ सर्व कर रहा हूँ, आप अपने मनचाहे तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। ये गर्मा गर्म परोसे खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी है। अगले टाइम ब्रेकफास्ट बनाते समय इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।